बीजेपी को यहाँ पर मौका देके देख लिया है। ना तो बीजेपी की सरकार में महिलाएं सुरक्षित थी, हमने कांग्रेस को मौका देके दिया, ना ही कांग्रेस की सत्ता में बहन जी। हमको इसलिए लगता है हमने हर एक पार्टी को मौका दिया है महिलाओं की सुरक्षा के लिए, शोषित पिछड़ों की सुरक्षा के लिए, लेकिन हमें किसी भी पार्टी में किसी भी सत्ता में वो सुरक्षा महसूस नहीं की है। इसलिए हमें लगता है कि अगर बहन जी सत्ता में आती है तो वो सिर्फ बहन जी सत्ता में नहीं आएगी, वो मेरी और इस देश की हर एक महिला सत्ता में आ जाएगी। हर एक महिला को खुद सुरक्षित रहना सिखा दिया जाएगा। इसलिए हमें लगता है कि बहन जी के आने से हर एक महिला सुरक्षित हो सकती है। मायावती बहन जी ने उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा काम किया, और अगर बहन जी आ गई तो पूरी दिल्ली में भी अच्छा काम कर सकती। आपको क्या लगता है बहन जी के आने से महिलाओं की जो सुरक्षा व्यवस्था है अब बेहतर होगी? महिला मैं बहन जी के साथ 25 साल से लगी हुई हूँ। मैं बहन जी के साथ मायावती बहन जी के साथ मैं 25 साल से काम कर रही हूँ, और साहब काशीराम साहब मेरे घर पे आए और झंडे लगा के गए। मैं आपसे पूछना चाहूँगी अगर बहन जी सरकार में बहन जी की सरकार बनती है तो अगर बहन जी की सरकार बनती है तो महिलाएं क्या सुरक्षित होगी, उनको की सुरक्षा के लिए क्या होगा? क्योंकि उनके आने से उन्होंने पहले भी बहुत यूपी में बहुत अच्छे कार्य करे हैं, लड़कियों के लिए हर चीज की सुविधा की है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे पहले दामनी के साथ ऐसा हुआ, ऐसे इस बार नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस बार मायावती बहन जी जो आ रही हैं महिलाओं की सहायता और मदद करने के लिए, हमेशा वो लड़कियों के साथ खड़ी रहेंगी। आपको ऐसा क्यों लगता है कि अगर सिर्फ मायावती बहन जी ही महिला के आने से महिला सुरक्षित होगी? बहन जी ने उत्तर प्रदेश में भी अच्छा काम करा है, मैं यूपी की हूँ, मैं हमेशा उन्हीं को वोट देती हूँ, मैं कभी किसी को वोट नहीं देती। तो पहले भी सुनिश्चित ही अब गए लुच्ची गुंडी सरकार आ गई, ये तो भगानी है निकम्मी सरकार, यहाँ निरे अत्याचार करे गांव में लड़कियों के बलात्कार जिंदे करवाए। आपको क्यों लगता है बहन जी महिलाओं को सुरक्षित रख सकती है? कर सकती है बहन जी, पहले करी है बहन जी ने, और अब भी करेंगी सुरक्षित। महिला का दर्द तो महिला ही समझती है, ये गुंडी सरकार मोदी की क्या समझती है? सरकार में आती तो महिलाएं सुरक्षित होंगी? ये बहुत अच्छा काम करती है, इनकी सरकार के साथ हम सम्मत है, लेकिन आज जो इस टाइम मतलब जो भी समय चल रही है पार्टी, ये बिल्कुल किसी भी तरह का कोई काम नहीं करती, ना ही इनके समाज में मतलब लड़की। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।